हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ स्नेहा कॉइन्स को P2P पर सेल कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले आपको स्नेहा कॉइन्स ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। स्नेहा कॉइन्स ओपन करने के बाद में आप आसानी से P2P पर सेल लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कॉइन्स अवेलेबल है जो कि 361,412 कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं P2P के माध्यम से आसानी से सेल लगा सकता हूँ, मैं सेल कर सकता हूँ। P2P ऐसा ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर आप सेल करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपसे खरीद सकता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ P2P के ऑप्शन पर। P2P के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से रिफ्रेश होता है, गेट P2P रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कॉइन्स लगे हुए हैं सेल में और इधर आप बाय कर सकते हैं। यदि आप बाय करना चाहते हैं तो बाय बटन पर क्लिक करके आपको खरीदना होगा, वहीं सेल बटन पर क्लिक करके आप सेल कर सकते हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपको वॉलेट में पैसा होना चाहिए। देखिए मैं बैक कर देता हूँ, बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए वॉलेट है, INR वॉलेट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपका पैसा होना चाहिए तभी आप खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से क्लिक करता हूँ P2P पर। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से वही पेज ओपन हो जाता है। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो जिस कॉइन्स को आप खरीदना चाहते हैं उस पर आपको छूना होगा एक बार। इस पर मैं छू दिया हूँ। आपके वॉलेट में पैसा है तो आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे तो आपका खरीदारी हो जाएगा। यहाँ से मैं कैंसिल करके बाहर निकल जाता हूँ। सेल करने के लिए आपको सेल बटन पर क्लिक करना होगा। सेल बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रेट चूज कर लेना है कि किस रेट में आप सेल करना चाहते हैं। यह करंट रेट अभी चल रहा है, जो चल रहा है स्नेहा कॉइन्स पर, तो मैं यहाँ पर रेट बढ़ा घटा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं रेट बढ़ा लिया हूँ। अब मैं कॉइन्स डालना चाहता हूँ कि मैं कितना सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कॉइन्स दर्ज कर देता हूँ, जैसे कि 5,000। देखिए 5,000 में सेल करता हूँ तो हमारा प्राइस हुआ 2,826.78। कॉइन्स का लिमिट दर्ज करने के बाद सेल बटन पर आपको क्लिक करना होगा। सेल बटन पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है और यहाँ पर देखिए मैसेज आ जाता है। यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप देखना चाहते हैं कि आप सेल में कहाँ लगाए हैं तो आपको फिर से P2P के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से वही पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखिए माई ऑर्डर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। माई ऑर्डर के ऑप्शन पर आने के बाद में आपके सामने फिर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट होता है और यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 4,850 कॉइन्स लगाया था सेल में। वही रेट की बात करें तो 56 पैसे के रेट से मैं लगाया था और यहाँ पर लग गया है सेल में। जब भी किसी को खरीदना होगा, अगर उसको प्राइस यह पसंद आएगा तो वह आसानी से खरीद सकता है। दोस्तों कैंसिल करने के लिए आपको नीचे कॉइन्स दिया हुआ है, इस नंबर पर आपको एक बार छू देना है। छूने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है Are you sure want to cancel this request? इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करने के लिए आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना होगा। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद में प्रोसेसिंग होता है और आपका कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर देखिए You have successfully canceled request लिखा हुआ है। इस तरह से आसानी से स्नेहा कॉइन में जो आप P2P में लगाएंगे आसानी से वह रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हैं और सेल करने के लिए भी लगा सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।